दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी दोस्तों उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से आई हुई है एंड इसकी जॉब की लोकेशन उत्तर प्रदेश में ही रखी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसमें किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं एंड इसमें कितनी क्वालिफिकेशन एंड एज की डिमांड की गई है एंड आप इस वैकेंसी के फॉर्म को कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसमें टोटल 21 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से यूआर के कैंडिडेट के लिए 10 वैकेंसीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 4 एंड एसटी के कैंडिडेट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं रखी गई है। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें कि सैलरी पैकेज इसमें कितना रखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों पर मंथ की सैलरी 44,900 रुपये की पर मंथ की सैलरी यहाँ पे रखी गई है पर कैंडिडेट। दोस्तों बात करें यहाँ पे क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन एग्जामिनेशन इन सिविल इंजीनियरिंग एंड यहाँ पे अवार्डेड बाय दी प्रवेदिका शिक्षा परिषद में क्वालिफाइड कैंडिडेट एंड साथ में यहाँ पे दोस्तों उत्तर प्रदेश और डिप्लोमा के कैंडिडेट इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसमें कि एज लिमिट कितनी रखी गई है इस वैकेंसी में। तो यहाँ पे मिनिमम 18 साल की एज लिमिट रखी गई है दोस्तों एंड मैक्सिमम 40 साल की एज लिमिट रखी गई है। ये एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए, यूआर एंड यू ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए रखी गई है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि इसमें एसटी एंड ओबीसी के कैंडिडेट के लिए कितनी रिलैक्सेबल एज रखी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए 5 साल की रिलैक्सेबल एज रखी गई है दोस्तों। एंड बात करें इसमें पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट के लिए, तो जिसके लिए 15 साल की यहाँ पे रिलैक्सेबल एज रखी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें कि इसमें ट्रेनिंग पीरियड कितना रखा गया है। तो दोस्तों इस वैकेंसी में 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड यानी कि 24 महीने का ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की कि इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू यहाँ पे कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाना है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे 200 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कैंडिडेट से एंड इसमें 3 घंटे का समय रखा गया है एग्जामिनेशन का। दोस्तों अब देख लेते हैं कि इसमें कैंडिडेट को मस्ट कैरी क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे कैंडिडेट को, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड एंड आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड एनी वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ कैंडिडेट को अपने साथ रखनी होगी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फ़ी कितनी रखी गई है कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे एसटी एससी के कैंडिडेट के लिए 700 की एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है दोस्तों एंड यहाँ पे यूआर के कैंडिडेट एंड ओबीसी के कैंडिडेट के लिए 1,000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है एंड यूपी के कैंडिडेट के लिए यहाँ पे दोस्तों एनी कैटेगरी के 1,000 रुपये की एप्लीकेशन फ़ी रखी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आप इसके फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एंड साथ में दोस्तों आपको नोटिफिकेशन की लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप इस वैकेंसी की सारी डिटेल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या रखी गई है इस वैकेंसी की। तो दोस्तों आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को 3 फरवरी 2021 से सबमिट कर सकते हैं एंड इसके ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट यहाँ पे 23 फरवरी 2021 की रखी गई है, यानी कि दोस्तों आप इसके फॉर्म को 23 फरवरी 2021 तक इसके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं एंड दोस्तों इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की डेट यहाँ पे 4th week of March 2021 की रखी गई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर इसके फॉर्म को सबमिट कीजिए एंड आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और हमारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching and listening.